अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना क्लासरूम टूर कराऊंगा। मैं आज आपको अपना क्लासरूम दिखाऊंगा कि मेरा क्लासरूम कैसे दिखता है। जैसा कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपने थंबनेल में देखा रहेगा, जिसमें मैंने लिखा है लो देख लो 25 लाख रुपये का यूट्यूब स्टूडियो। तो मैं बता दूँ कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो ये जो मेरा क्लास है वो ऑफलाइन के बच्चों के लिए है। मैं ऑफलाइन के बच्चों को, जो 11th और 12th के कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको पढ़ाता हूँ। तो एक क्लासरूम मैंने क्या किया, इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद मुझे लगा कि ऑनलाइन भी पढ़ाना चाहिए, तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसिक इन्वेस्टमेंट आगे चल के और किया, जिसके कारण मैं यूट्यूब पे वीडियो शूट करके इजिली डाल पाता हूँ। लेकिन अगर ये मेरा जो 25 लाख का क्लासरूम है, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं यूट्यूब का वीडियो शूट नहीं कर पाता, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए आपको बहुत ही शांत प्लेस की ज़रूरत होती है, एक शांत जगह की ज़रूरत होती है। अगर आपको ऐसी जगह मिलेगी तभी भी आप YouTube वीडियोस क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो देखते हैं और आप ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपको कैसा लगा। आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासरूम कैसा लगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्लासरूम कैसा है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फैन लगा है और एक फैन यहाँ पे है और यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे दो चेयर रखा हुआ है। यहाँ पे जो पढ़ाने वाले टीचर आते हैं यहाँ पे बैठते हैं और मैं यहाँ पे बैठ के कभी कभी जब बैठने का मन होता है तो यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ। ये मेरा टेबल है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं और रखे जाते हैं। यहाँ पे सामने बच्चे होते हैं, ये है टेबल, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फैन है, सामने वॉच है। जब भी हमारा लेक्चर होता है तो हम इसी वॉच में देख के अच्छे से रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो कैसा लगा बताइएगा आपको, एक क्लासरूम, यहाँ पे एक फैन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये मेरा, जब मैं YouTube स्टार्ट नहीं किया था, YouTube पे पढ़ाना शुरू नहीं किया था, तो उससे पहले मैंने एक क्लासरूम में इन्वेस्टमेंट किया था जो कि मेरा खुद का क्लासरूम है। आपने देखा रहेगा यहाँ पे मैं, हमारे टीचर्स यहाँ पे खड़े होकर जो करते हैं, टीच करते हैं। यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, टेबल पे जो है स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 11th और 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं और इस क्लास रूम में बैठ के वो सारे के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आपने अगर मेरा YouTube वीडियो देखा रहेगा तो वो यही जगह है जहाँ पे मैं बैठ के, आप लोगों को जब बैठ के पढ़ाना होता है तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाता हूँ और जब खड़ा होकर पढ़ाना होता है तो यहाँ पे मैं खड़ा होकर पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे वाइट बोर्ड है जिसका जो साइज है वो है 6x4 की और काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे टीच कर पाता हूँ। और जब मुझे बैठ के पढ़ाना होता है तो मैं इस जगह पे, अपने वीडियो देखा रहेगा तो मैं इस जगह पे बैठ के आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मंदिर है, सुबह यहाँ पे बच्चे होते हैं, सब लोग बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा।